भाई अगर धनंजय सिंह के यहाँ टिकट मिलेगा तो उनका निश्चित है जीतना। तो भाजपा ये भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्टर है। कानपुर मतलब धनंजय सिंह। नमस्कार, मैं आयुष, आप देख रहे हैं राजतंत्र टीवी। इस समय हम मौजूद हैं सुजानगंज के चौजीतपुर ग्राम सभा में। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर इनकी क्या राय है। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स भी हैं। तो ऐसे में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो महज कुछ महीने में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर इनकी क्या राय है। जी आइए बातचीत करते। क्या नाम है? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी, जो अभी आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव आने वाला है, हम लोग तो भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्टर है। और अगर बात करें जौनपुर लोकसभा की, तो यहाँ से कौन ऐसा चुनिंदा नेता हो सकता है जो जौनपुर का नेतृत्व तो सबसे बेहतर कर सके? जौनपुर का नेतृत्व तो एक ही चेहरा है हमारे नजर में, माननीय पूर्व सांसद हमारे जो है धनंजय सिंह जी। क्यों धनंजय सिंह? उनका ही चेहरा है जौनपुर। जौनपुर मतलब धनंजय सिंह। काम करते हैं, नाम है, व्यक्तित्व उनका अच्छा है। कंपेयर करेंगे जो भी है पूर्व सांसद, अभी जो हमारे सांसद हैं, अगर वर्तमान सांसद की बात करें श्याम सिंह यादव का, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? उनका तो सकल जो है फेस हमने कभी देखा नहीं है। उनका कब आए थे, क्या है, उनको इलेक्शन के टाइम नहीं देखे, देखा ही नहीं गया। इस अगर बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, किसका दबदबा सबसे ज्यादा, किसका जलवा नजर आ रहा है जौनपुर में? अभी तो देख सकते हैं तमाम होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, और कहा जाए 60-70 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम भाजपा वाले हैं, और अगर देखेंगे अगर भाजपा के अलावा कोई खड़ा होता है, जैसे भाजपा किसी छुरभैया नेता को खड़ा कर दिया, किसी भी नेता को, तो उनका जीतना संभव है। रीजन ये है क्योंकि देखेंगे चेहरे पे वोट होता है, व्यक्तित्व पे वोट होता है। जी आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। इनको कई चुनाव का आपको अनुभव होगा, आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, तो इस बार के चुनाव में क्या कुछ अलग होने वाला है? भाई अगर धनंजय सिंह के यहाँ टिकट मिलेगा तो उनका निश्चित है जीतना। अगर बात करें धनंजय सिंह अगर सपा से टिकट पा जाए तो क्या वो निकाल तो भी जीतेंगे? किसी भी पार्टी से अगर जीतेंगे अपने एरिया से, अपने इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि अगर वो किसी भी पार्टी से आएंगे तो निश्चित ही चुनाव में जीत दर्ज करेंगे? इतना दावा कैसे? अरे हमारा इच्छा कर रहा, हमारा मन कर रहा है, वो काम किए हैं, बहुत पहले आए थे, अभी तो बहुत दिन से नहीं आए हैं। लेकिन जी आपका नाम? हम कुछ नहीं बोल रहे भाई। क्यों? जी बताइए। मेरा नाम दिवाकर शर्मा है। दिवाकर शर्मा जी, इस बार चुनाव में क्या कुछ अलग होने वाला है? अलग, हम लोग तो सीधा चाहते हैं जो अच्छा काम करे वही बढ़िया है उसी को, लेकिन हम लोग तो भाजपा पार्टी से भाजपा के हैं। अब हम धनंजय सिंह हमारे पूर्व सांसद हैं, तो हमारे लिए देवता समान है वो। तो हम अगर बात करें 2009 की, जब वो बसपा से यहाँ से सांसद थे, तो कैसा रहा उनका कार्य? बहुत बढ़िया रहा, बहुत काम करा है, हमेशा गरीब की सुनते थे, कोई भी जाता था उसकी सुनते थे। ऐसा माना जाता है, लोग उन्हें कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, तो क्या वो सही बात है? गरीब मसीहा, सही बात। जब वो सांसद हुआ करते थे, हम बचपन में लगभग, मैं उस टाइम 10th या 11th में था, हम देखे हुए कम से कम यहाँ हमारे ग्राम में क्षेत्र की बात नहीं करें, कम से कम 5 से 6 बार आए हुए हों सांसद महोदय। और ये देखेंगे हमारे गांव को, जो हम अपना काम खुद। अच्छा, जब ऐसे आप कोई निमंत्रण शादी विवाह अन्य चीजों में आप उनको बुलाते हैं, क्या वो आते हैं? बुलाते हैं तो आते हैं। जी हमारे साथ एक और युवा वोटर है, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी, आप अभी युवा वोटर हैं, राजनीति में युवाओं का बड़ा ही योगदान है, तो इस बार क्या लग रहा है, कैसा योगदान जौनपुर के लिए? जौनपुर के विकास के लिए धनंजय सिंह का आना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बात करें तो जौनपुर किसको दिल्ली भेजेगा? धनंजय सिंह। क्यों? उनका व्यक्तित्व, व्यवहार अच्छा है, यहाँ पे तो गरीबों का सुनते हैं, आते हैं, जाना जाना साल, 2 साल 3 साल में एक बार यहाँ का आना जाना सब लगा रहता है। इससे पहले भी वो सांसद हुए, यहाँ पे विधायक हुए बसपा से 2009 में, तो गरीबों के लिए नल, सड़क आदि बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया उन्होंने। इसके लिए लगता है कि धनंजय सिंह का आना बनता है। तो इस बार एकदम उम्मीद के साथ कह रहे हैं धनंजय? बिल्कुल बिल्कुल।
जैसा कि आपने देखा हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात को रखा, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अगर बात करें धनंजय सिंह की तो वो इस बार, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजतंत्र टीवी।